ये इसका एंड्रॉयड स्टीरियो लग रखा है। इसकी अगर आप कस्टमाइजेशंस देखोगे तो यूज़र इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही है। जेड लिंक का यार ये कहाँ पे आता है वैसे, ये रहा जेड लिंक। तो ये सीन है, बाकी यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है इस वाले स्टीरियो की। और यहाँ पे सही ये सब कुछ चेंज हो जाता है, देखो है ना। तो हरुण भाई आपने क्या क्या इसमें कस्टमाइजेशंस करा रखी है इसमें? यार अभी मैंने ना ये 15 दिन पहले ये वाला लगवाया, इसमें एप्पल कारप्ले है। वैसे नॉर्मल एंड्रॉइड में एप्पल कारप्ले नहीं होता। हाँ। मेरे अब इसमें डायरेक्ट वायर लगाओ आप, एप्पल कारप्ले इसमें चलेगा, सब डायरेक्शन वगैरह सब कुछ बताएगा वो आपको, सब कुछ। हाँ। और आपको चार्जिंग वगैरह सब, ये देखो मेरे फोन का यहाँ पे आ रहा लिखा हुआ 4G, तो सब कुछ है इसमें। तो ये भाई ये जो एंड्रॉइड स्टीरियो है ये लाइक क्या कॉस्टिंग है इसकी? ये मैंने अभी लगवाया 15 दिन पहले लगवाया था मैंने इसको, मेरे को टोटल 10,000 रुपये का पड़ा था, 10,000। तो इसमें लाइक कोई ब्रांड है इसका, लाइक कोई स्पेसिफिक? इसमें सोनी लेक्स ब्रांड है मेरे हिसाब से सबसे बड़ी है। मैंने शुरू से वो, इससे पहले भी मेरा जो नॉर्मल वाला था वो भी सोनी लेक्स का था, ये भी सोनी लेक्स का है। ओके तो भाई वैसे पर्सनली मैंने भी अभी चलाया है तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है, और उसी के साथ साथ इसमें एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले भी है और एंड्रॉयड ऑटो भी है। वायर्ड है ना, वायरलेस तो नहीं है? नहीं वायरलेस भी है, वायरलेस भी है भाई, वायरलेस भी है। वायरलेस में भी कारप्ले इसमें चलता है, मतलब ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर लो उसके बाद डायरेक्ट कारप्ले चलेगा। तो एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि वायरलेस भी है। तो ये सच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी भाई ने ब्रांड नेम भी बता दी क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं था, सोनी लिक्स का ब्रांड है और 10,000 का भाई ने लगवाया है। तो भाई कोई रिकमेंडेशन है किसी अपने नोन से? मैंने शुरू से, ये मेरे भैया उनकी शॉप है इधर गोविंदपुरी में, कमल कार बुटीक के नाम से, 3,500 रुपए का कंपनी से। बाकी भाई इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है, इसमें नेटफ्लिक्स भी डाल रखा है, चलता है भाई? हाँ चलता है सब, इसमें डला है, मैंने कुछ नहीं। अच्छा डला है, अच्छा अभी नेट कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा नेट कनेक्ट नहीं अभी। बाकी भाई ऑप्टिमाइजेशन टच रिस्पांस बहुत अच्छा है इस वाले का, मैंने भी लगा रखा है भाई, मेरे का इतना अच्छा से कनेक्ट हो जाता है, ये वायरलेस भी चल जाता है और वायर के साथ भी चल जाता है, वायर के साथ भी चल जाता है, ये बहुत सही चीज़ है भाई। तो भाई वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, चिल विद यू फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय। तो भाई स्टीरियो की बात करें, सोनी लिक्स का काफ़ी अच्छा स्टीरियो लगा मेरे को, और उसमें लाइक एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी है, ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लगा। तो यार वैसे मैंने लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो मैंने भी यूज़ नहीं किया है कि मैं आपको बताऊं कि भाई मैंने लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज़ किया है, बट एज़ पर शॉर्ट टर्म पे एंड हनुमान भाई से भी मैंने पूछा था कि पर्सनली कि भाई कैसा है, कह रहे भाई मैंने इससे पहले भी सोनी लिक्स का यूज़ कर रहा था और फिर मैंने उसके बाद भी सोनी लिक्स का ही लगवाया है, तो दोनों के ही रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को काफ़ी बेस्ट लगा, अंडर बजट में बेस्ट ऑप्शन लगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अगर एंड्रॉयड के लिए जा रहे हैं तो आप इसके लिए ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि लाइक मैंने भी एंड्रॉयड यूज़ करके एक चीज़ एक्सपीरियंस करी कि रोज़ रोज़ ना ही हम गाने डाल सकते हैं है ना एंड्रॉयड में, और ना ही हम उसके लिए एक लाइक हॉटस्पॉट या नेट लेके चल सकते हैं कि भाई हम उसे 24 घंटे नेट दें, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है देयर केसेस में। बट हाँ अगर हमारे पास एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है तो हम नेविगेशन भी उसी से ही कर सकते हैं और हम गाने भी उसी से ही चला सकते हैं, हालांकि गाने हम ब्लूटूथ से भी चला सकते हैं बट उससे थोड़ी अच्छा और फील आएगी, और हम कॉल वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे को इस कंडीशन में काफ़ी सही लगा वो। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप सोनी लिक्स के लिए जा सकते हैं, बस इतना ही।